हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। तो टुडे एट द अंबा बजाज, और मेरे पीछे ये देख लो बीस्ट खड़ी है, तीनों कलर में है। मतलब ये अपने पे ब्लैक है, ब्लू है एंड रेड है। सो आज तीनों कलर मेरे को मिल गए, तो मैं आपको भाई तीनों कलर दिखाने वाला हूँ। एन 160 के और दो अपनी ये जो है तीनों के तीनों, ये अपनी E20 कंप्लायंट है, जो कि अब BS7 जो बहुत लोग बोल रहे हैं, बट ये E20 कंप्लायंट बाइक। और अब इसमें इथेनॉल मिक्स फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं। सो तीनों कलर पीछे खड़े हैं भाई, कमेंट कर दो कौन सा कलर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। बहुत ज़्यादा जो मतलब मुझे पता है कि 70-80% लोगों को ब्लैक कलर पसंद आएगा, बट कुछ को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा पसंद होता है कुछ लोगों को, तो हो सकता है उनको ब्लू एंड रेड कलर भी पसंद आ सकता है। सो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप आ सकते हैं, आप अपनी डील को फाइनेंस कर सकते हैं फ्रॉम द अंबा बजाज। तो जल्दी चलते हैं बाइक की कुछ सिनेमैटिक्स, कुछ रिव्यू, कुछ आपको बताता हूँ बाइक के बारे में। देखो फिर मिलता हूँ आपसे लास्ट। सो गाइस देख लो, द बीस्ट इज हियर, द थ्री बीस्ट वी हैव टुडे विद अस। और ये 160cc में भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब बिकने वाली बाइकों में से है ये। और भाई ये बाइक की मतलब क्या बोलूँ मैं, इसका जो लुक्स है फ्रंट लुक्स, एक बार आपको फ्रंट लुक्स दिखाता हूँ कितने किलर लगते हैं फ्रंट लुक, एक बार आप चेक करो। सो एक बार एक काम करते हैं, अगर तीनों में कनेक्शन है तो तीनों एक बार ऑन करते हैं, आपको फ्रंट DRL दिखाते हैं सबसे पहले इसकी। सो ये देखो तीनों की DRL अभी ऑन हो गई है, और बाइक कितनी ज़बरदस्त, कितने किलर लुक दे रही है अभी ये बाइक, आप देख रहे हो। सो ये है इस बाइक की खासियत। सो तीनों के भी लाइट्स हमने कर दी हैं बंद, बाइक कर दी ऑफ, एंड बाइक का देख लो तीनों, ये अपना प्रॉपर जो ब्लैक कलर आता है, जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर जो बजाज इसको बोलती है, तो वो एक कलर है ये। तो डुअल चैनल ABS पहले सिर्फ इसी कलर में आया था, सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये बाइक कितनी ज़्यादा सेल आउट हुई थी ना, इस बाइक की मतलब सेल इतनी ज़्यादा तगड़ी है ना कि मैं क्या बताऊँ। इस बाइक का लुक्स और इस बाइक की टॉप स्पीड, इसके टायर इतने वाइट टायर्स वगैरह एंड ऑल दे दिए थे, और लुक्स ऑफ फ्रंट्स आप देख ही लो कि पूरा कितना कलर लुक आता है इसका। एंड बाद में आपको ये कलर भी आ गया था अपना डुअल चैनल ABS में, क्योंकि और ये भी आ गया था डुअल चैनल ABS में, क्योंकि लोगों को डुअल चैनल ABS ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि आज के टाइम लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं, तो रिसर्च करके कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो लोगों के अंदर से ज़्यादा हो गया है, तो लोग रिसर्च करके लेते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ से देखोगे तो सेफ्टी पर्पज़ सबसे ज़्यादा जो अपना सेफ़ होती है वो डुअल चैनल ABS में होती है भाई, आपके स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बैंगलोर जैसी जगह पे तो बारिश भी इतनी होती है, तो वहाँ पे तो बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डुअल चैनल ABS यहाँ के लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है एक। सो ब्लैक कलर आपने बहुत बार वीडियो में देख लिया होगा ऑलरेडी, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। सो ब्लैक कलर तो भाई देखो हमेशा से सबका फेवरेट है, मतलब इधर गैंगस्टा वाली वाइब आती है, और ना जो ब्लैक कलर है ना इसके अंदर भाई ये बाइक का लुक ही अलग आता है। बट ब्लू और अगर मैं आपको रेड बताऊँ, थोड़ा सा लाइट की ज़रूर कमी हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो आप देखो तो जो अपना ब्लू कलर है एंड रेड कलर है, तो ये भी कोई कम नहीं लग रहा, ज़बरदस्त लग रहा है। जो ग्राफिक्स हैं, जो इसके ये जो अपना आप देख रहे हो टैंक एक्सटेंशंस हैं, बाइक किसी में भी मतलब कमी नहीं करी बजाज ने, बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स के साथ एकदम बढ़िया दी हुई है। तो आज ऑलरेडी मैं इसकी और ब्लैक कलर की ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल्स के ऊपर बहुत सारी है, सो मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं आज रेड के बारे में फोकस करूँगा। सो ये देख सकते हैं आप, ये खड़ी है मेरे आगे रेड कलर, तो ये देख सकते हैं ये है रेड कलर, और अभी थोड़ा सा आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा कि इधर से क्या है कि सनलाइट आ रही है, तो कैमरा अपने आप इसको डिम कर दे रहा है। सो ये देख सकते हो, और ग्राफिक्स ये देखो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह एंड ऑल कितने बढ़िया लग रहे हैं। और सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से पूरा लुक मिलने वाला है अपनी ये बीस्ट बाइक का। सो फ्रंट से आप देख सकते हो, इसमें सेंटर में आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, बड़ा प्रोजेक्टर, फंक्शनल हेडलैम्प, जो कि आपको लो बीम एज हाई बीम बोथ में सेम में ही काम करने वाला है। और ये LED है, एंड इसमें आपको दो DRLs मिल जाएंगी, LED DRLs, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड भाई ये बाइक का ना ऐसे निहारते निहारते ना एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो मेरे दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, और मैं आपको दिल से दुआ देने वाला हूँ। और आप ट्राई करो तो आप भाई आपके एक रुपये नहीं लगेगा, बट चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपके नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी, यहाँ पे वाइजर दिया हुआ है, मतलब वाइजर क्या है ये एक छोटा सा यहाँ पे पैनल दिया हुआ है पूरा अपना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर, तो यहाँ पे वाइजर भी एक लगवा सकते हैं आप आफ्टर मार्केट, बहुत लोगों ने लगवाया हुआ है इस बाइक के अंदर। अगर आप एक हाईवे राइडिंग कर रहे हैं, अगर सिटी राइडिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ इनफ, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एंड बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो आपको यहाँ हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत से हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, कुछ मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको ये आपके हैलोजन इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। एंड इसमें आप LED भी लगवा सकते हैं जो अपनी N250 में आते हैं। और बाकी यहाँ पे ये ग्राफिक्स दिए हुए हैं छोटे मोटे, तो ऐसे ग्राफिक्स आपको इस साइड भी मिल जाएंगे। और बात करें नीचे की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा
फ्लोटिंग वाला मड गार्ड मिलने वाला है। तो ये फ्लोटिंग वाले मड गार्ड में यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस की यहाँ बैजिंग दे दी है, यहाँ पे फ्लोटिंग ये न्यू पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये पीछे पूरा ब्लैक में रहने वाला है, मैट ब्लैक, और ये वाला आपका ग्लॉस रेड में पेंटेड होने वाला है। सो बहुत ही अच्छा ये जो डिज़ाइन ये इंट्रोड्यूस किया है ना बजाज ने, थोड़ा सा एक बोलते फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लाने की कोशिश करी है। तो बजाज जब भी कुछ करता है तो हमेशा से एक न्यू चीज़ करता है, तो वो उसमें भी इंट्रोड्यूस करी है। एंड इट्स कम विद अ वेरी ह्यूज डिस्क ब्रेक विद अ ग्रामिका ब्रेक कैलिपर्स, ये देख लो यहाँ पे ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे विद अ एबीएस रिंग। और यहाँ पे आपको एंड्योरेंस के एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ, हाँ तो इसमें आपको ये देख लो यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाएंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बट जैसे कि अब NS 160 में USD आ गए हैं, सो मैं चाहता हूँ भाई बजाज आप इसमें भी USD दे देते तो कुछ हो नहीं जाता है E20 कंप्लायंट में, तो बाइक और भी अच्छी हो जाती और स्टेबल हो जाती और भी लोग इसको और ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ये एनीवेज मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगती है NS से 160 NS, मैं 200 की बात नहीं कर रहा, 160 की बात कर रहा हूँ। सो ये उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड लगता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन लगता है इसका। और बात करें फ्रंट व्हील की, तो उसमें 17 इंचज़ के फ्रंट टायर मिल अलॉय मिल जाएगा विद 100 सेक्शन टायर, तो इसमें आपको C8 का टायर मिल जाएगा, बट MRF के भी टायर आ जाते हैं किसी किसी बाइक में, तो C8 एंड MRF बहुत टायर्स आपको मिल सकते हैं N160 के अंदर। और इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे बोथ साइड आपको सस्पेंशन पे ये मिल जाएगा, जिसको ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा काम आता है ये। एंड टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर है, 100 सेशन का टायर काफ़ी वाइड है, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टायर साइज यू कैन इंक्रीज इट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके मडगार्ड के बीच में, तो काफ़ी स्पेस है, तो आपको इंक्रीज भी कर सकते हैं टायर को, 110 सेक्शन भी डाल सकते हैं इजीली, कोई इशू आने नहीं वाला। एंड बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको टैंक मिल जाएगा, 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे E20 की बैजिंग दे दी है, तो यहाँ पे अब आपको E20 कंप्लायंट भी ये बाइक हो गई है अपनी। और यहाँ पे ये छोटे मोटे से ये ग्राफिक्स दिए हुए जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इसमें ये जो पल्सर आता है ये सिल्वर फिनिश में आता है, अगर आप ब्लैक कलर में लोगे तो उसमें ब्लैक क्रोम में आने वाला है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, कलर आप कोई भी बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी ये देख लो ग्राफिक्स पूरे दिए हुए हैं, टैंक एक्सटेंशन दिया हुआ है बहुत ही बड़ा, तो बाइक ना बहुत बड़ी बड़ी फील देती है, क्योंकि बड़ी फील क्यों भी नहीं देखी भाई, ये 250 cc की चेसी है, 250 cc की बॉडी है, बट इसमें इंजन ही 160 cc का है, बाकी बाइक पूरी 250 cc वाली फील देने वाली है आपको। एंड यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत एक अच्छा अपडेट है बजाज की साइड से, ये बजाज ने बहुत अच्छा अपडेट दे दिया है कि यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दे दिया है, और आपको बस यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर लगवाना है, उससे अपना फ़ोन आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा ये फिन्स वगैरह दिख जाएंगे एयर पास के लिए, ये तो अपना आप देख सकते हैं, ये वाला ये तो ओपन है, बाकी ये वाला पूरा ये जस्ट डिज़ाइन एक दिया हुआ है। एंड ये जो पूरा ब्लैक एलिमेंट देख रहे हो आप, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये सिल्वर एलिमेंट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, इस प्लास्टिक पार्ट, तो ये चेसी कवर करने के लिए दिया हुआ है। एंड फुटपैक्स यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं, एडर के भी एंड एज वेल एज पिलियन के भी, तो ये आपको दोनों सिल्वर फिनिश में मिलने वाले हैं। और ये वाला पार्ट देखोगे तो ये भी आपको डुअल टोन मिलने वाला है, यहाँ पे मैट ब्लैक एंड यहाँ पे ग्लॉस रेड, और यहाँ पे वाइट कलर में N160 की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसमें शाइनिंग भी अच्छी है, तो ये रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सीट की बात करें तो भाई सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, अगर आप देखोगे ये 160 की बाइक, एक तो आपको पूरी स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देगी, प्लस साथ में आपको सीट इतनी कंफर्टेबल मिलने वाली है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सीट काफ़ी वाइड है, बजाज ने काफ़ी सोच समझ के सीट बनाई है, क्योंकि इस बाइक में ना वो सारे इनपुट लिए बजाज ने, जो अपनी NS में जो लैग्स थे वो सारे इनपुट लेके इसमें वो चीज़ पूरी करी है बजाज ने, तो वो यहाँ पे काम करके दिखाया कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए अपनी मदर सिस्टर को भी आप इसमें, वाइफ को, किसी को भी इजिली बैठा के ले जा सकते हो, लॉन्ग राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी। सॉफ्ट है और वाइडनेस काफ़ी अच्छी है कि पूरा मतलब अच्छा खासा सपोर्ट देने वाली है सीट्स। एंड ग्रैब रेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाएंगे, और ब्लू में भी सिल्वर फिनिश मिलेंगे, एंड ब्लैक में आपको पूरा सब कुछ ब्लैक ही मिलने वाला है। और ये जो टेल टाइड दे रखी है, जो टेल टाइड देख रहे हो, ये मुझे KTM 390 ड्यूक इंस्पायर्ड लगती है, और ये काफ़ी मजबूत है भाई, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत लोगों को लगता है प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है ये पूरा अपना एलुमिनियम का पार्ट दिया हुआ है, काफ़ी मजबूत है, ये हिलती नहीं है, हिलने नहीं वाली ये चीज़, तो ये ध्यान रखना भाई, ये बजाज ने इस बस में काम किया है, क्वालिटी में काफ़ी अच्छा काम किया, जो लोग कहते हैं ना कि भाई बजाज क्वालिटी की नहीं दे पा रहा, भाई क्वालिटी में काफ़ी अच्छा काम किया इस बारी। एंड यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी, ये टायर अगर है इसको निकाल के फेंक देना भाई, मज़ा आ जाएगा, बाइक को निकाल के हटा दोगे ना, बाइक का लुक पीछे से बहुत बढ़िया लगता है। एंड दिस इज़ अ सारी गार्ड एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स, और आपको वापस हाफ चेन कवर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाएगा, फॉर योर सस्पेंशन, जो आपके सस्पेंशन को कवर करेगा ताकि सस्पेंशन आपके ख़राब ना हो। एंड रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हो, जो कि ये रहा, तो ये एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाएगा आपको, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। एंड काफ़ी अच्छा जो है ना इसका, जो ये आप देख रहे हो
ये चीज़, मतलब अपना ये स्विंग आर्म भाई काफ़ी हैवी दिया है, 160cc बाइक है, बट सर स्विंग आर्म NS से भी हैवी दे रखा है। ये मुझे नहीं पता भाई बजाज ने क्यों इतना है, मतलब क्या दिया है, क्या सोचा, मतलब जो भी काम कर रहा है तो भाई कंपनी R&D करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगाती है, तो उसमें काम अच्छा किया है। प्रोडक्ट की चीज़ मतलब क्वालिटी जो दी है ना, प्रोडक्ट दिए हैं वो सब क्वालिटी वाले दिए हैं। एंड इसमें आपको यहाँ देखोगे तो यहाँ पे टायर प्रेशर लिखा हुआ है कि इतना प्रेशर होना चाहिए विद पिलियन विद राइडर। और ये पार्ट देखोगे तो पहले ये सारा पार्ट जो आता था ना, ये पूरा मेटल में आता था, तो ये मेटल में कहता रस्ट होने के बाद इतना गंदी लगती थी, अब ये प्लास्टिक का दे दिया तो ये रस्टिंग का यहाँ पे इशू नहीं आएगा। और क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव करी है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों भी देख रहा हो तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी है बजाज ने। और बाकी यहाँ से अपने आप चेन एंड ऑल एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें ओपन पूरी चेन मिलने वाली है आपको। तो भैया हम ये बात कर रहे थे इसकी, अपने स्विंग इसके टायर अगर की, तो पहले टायर अगर सिंगल साइड माउंट होता था तो ऐसे ऐसे हिलता था, अभी ये जो डुअल साइड माउंट करते हैं तो ऐसे ऐसे हिलता नहीं है ये, तो काफ़ी मजबूत है इसके अंदर। और बाकी एक आपको यहाँ पे नीचे इंजन काउल मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा देख रहे हैं, इंजन काउल दिया हुआ है आपको डुअल फिनिश के साथ दे रखा है, तो मुझको काफ़ी बेटर लग रहा है ये अपना इंजन काउल, आप देख सकते हो ये रहा कितनी बढ़िया ही लुक और कितनी बढ़िया इसके अंदर फिनिश दे रखी है। और इसमें फ्लोटिंग डिज़ाइन दिया हुआ है अपना ब्लैक एंड रेड कलर में, और यहाँ ग्राफिक्स भी दिए हुए हैं जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया वाला काम किया हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कैटलिक कन्वर्टर मिल जाएगा, और ऊपर यहाँ पे कोने में एक ऑक्सीजन सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ से देखोगे छोटा सा आपको एक यहाँ पे ये मिल जाएगा अपना ऑयल कूलर, तो ये बाइक अपनी ऑयल कूलर के साथ आती है। और सिंगल हॉर्न आपको मिल जाएगा, ये रहा आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल हॉर्न है ये रहा, तो सिंगल हॉर्न आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड इस बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं, तो भाई ये जो बाइक का इंजन है ना बिल्कुल न्यू इंजन है जो बजाज ने बनाया है, ये DTSI ट्विन स्पार्क इंजन है, और इसकी जो पावर इसमें आपको 5 gears मिल जाएंगे, और भाई बहुत अच्छी पावर है, इसलिए आप 125 प्लस इसमें इजीली अचीव कर सकते हैं टॉप स्पीड, अगर आप मेरी बात अगर आप जानना चाहते हैं तो 125 इजीली आप जा सकते हैं। बात करें इसकी पावर की तो नियर अबाउट इसमें 16 PS की पावर दे देता है, एंड 14.75 न्यूटन मीटर का आपको उसमें टॉर्क मिल जाएगा, तो 16 PS की पावर भाई कम नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त पावर होती है एक 160cc बाइक के लिए, तो अच्छी पावर के साथ एक अच्छा आपको टॉर्क भी मिल जाएगा। और बाइक बात करते हैं इसकी माइलेज की, तो अगर आप सिटी की बात करें तो सिटी में ये जो बाइक है ये आपको इजीली मैं आपको बता दूँ तो सिटी के अंदर आप 35-40 आप इसमें अचीव कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली या बेंगलोर जैसी सिटी में रहते हैं तो आप 35-40 इसमें अचीव कर सकते हैं। अगर आप हाईवे में चलाना चाहते हैं तो हाईवे में इजीली आप, तो अगर आप बैंक मतलब आप हाईवे में लेके जाएंगे तो हाईवे में आप इजीली इसमें 50 प्लस की माइलेज में अचीव कर लेंगे, क्योंकि भाई इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड इंजन है। आपको मैं ये दिखा दूँ सबसे पहले, ये देखो देख रहे हो कितना ही स्मूथ है और कितना लाइट क्लच है, मैं तो आपको कह रहा हूँ भाई चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसका क्लच देख लेना, और किसी के पास अगर NS है NS का क्लच देख लेना, बहुत ज़्यादा लाइट क्लच है भाई इसका, बहुत लाइट क्लच है, और बहुत ज़बरदस्त काम किया है बजाज ने इसके इंजन के ऊपर। और चलते हैं अब रियर में, थोड़ा रियर टायर भी आपको बताया तो रियर में एक मिनट में यहाँ से दिखा देता हूँ आपको इसी में। तो यहाँ से जो ये देख लो यहाँ पे भी आपको ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स एंड अच्छा खासा साइज मिल जाएगा डिस्क का, और इसमें आपको ABS भी मिल जाएगा। एंड रियर में आपको 130 सेक्शन का टायर मिलेगा जो अपनी NS 200 में आता था, सो वही टायर आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया 160cc में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी स्टेबल हो गई है। आप कॉर्नरिंग वगैरह इसमें ईजिली कर सकते हैं अच्छे से, आप मतलब कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे ना आपको अच्छी सी कॉन्फिडेंस आने वाला है और एक अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी। अब देखो जैसे आपको मैं बता रहा था इसमें MRF के टायर भी आते हैं, अब ये टायर देखो तो ये टायर अपना C8 का दिया हुआ है, बट अगर आप ये ब्लू वाली में देखोगे तो यहाँ पे अपना MRF दे दिया है, सो किसी में अभी MRF आ रहा है और किसी में C8 आ रहा है, तो डिपेंड्स कि आपको कौन सी बाइक मिलती है, बट दोनों बेटर है। और सिटी राइडिंग के लिए तो आपको पता है भाई मतलब MRF ये सब कितना ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर आपको और कुछ लगवाना है तो आप इसमें मतलब बाइक लेते ही अगर आप टायर चेंज कर दोगे तो आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी आपके पुराने टायर की, और आप इसमें रेडियल टायर्स लगवा सकते हो साइज़ इंक्रीज करके ऑन द सेम डे ऑफ द डिलीवरी, सो वो एक मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आप कराना चाहते हो तो इसमें पीछे आप रियर में अपोलो का टायर डलवा सकते हैं, अपोलो Alpha H1 140 सेक्शन डाल दो भाई, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। बाकी आपकी जो चॉइस है आपको जो पसंद है वो आप आके यहाँ से बाय कर सकते हैं फ्रॉम द अंबा बजाज। बाइक कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, तीनों कलर अवेलेबल हैं यहाँ पे अंबा बजाज में, तो जो भी आपको चाहिए अपने डील आके फाइनलाइज कर लो, अपनी बाइक को जल्दी से बुक कर लो और आके ले जाओ। कर लेते हैं इसके मीटर की, तो मीटर देख लो जिस तरीके से इसका पूरा फ्लिप करता है ऊपर तक, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है इसमें आपको, तो सबसे पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर बजाज ने यहीं पे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो एक बार इसको ऑन कर लेते हैं, ये देख लो तो हो गया है। अभी देखो सो अभी यहाँ पे आपको ब्लू लाइट मिल जाएगी इसके अंदर, इसमें देख लो यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है, टाइम आ रहा है, ये ओडो आ रहा है, ठीक है, एंड स्पीड गियर्स
तो ये सब आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो इसमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी, ओडो आ जाएगा, और यहाँ से आ रहा, और यहाँ से अगर चेंज करोगे तो देखो ट्रिप वन, ट्रिप ए, ट्रिप टू और डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो ये आपको सारे फीचर मिल जाएंगे इसके अंदर। और बाकी जितने भी माल फंक्शन है वो सब इधर है, ये न्यूट्रल वगैरह सब इधर मिल जाएगा आपको। तो मुझे बताना ज़रूर कैसे लगी आपको ये। देखा आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इस बाइक से रिलेटेड। सो अब जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो भाई कमेंट कर देना, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, सबको रिप्लाई करता हूँ। जाके पुरानी वीडियोज़ है उनको भी देखो कमेंट में भाई, सबको आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती देता हूँ। बट प्राइस के लिए भाई मैं आपको कमेंट में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्राइस के लिए आपको शोरूम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शोरूम के पास एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं, पूरा आरटीओ वगैरह ये सब मिला के ऑन रोड प्राइस, तो शोरूम वाले ज़्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे इस चीज़ के अंदर। और बाकी तीनों बहुत बढ़िया लग रही है, बट ज़्यादा लोगों की पसंद मुझे पता है कि वो ब्लैक होने वाली है, बट ये दोनों कलर भी अच्छी हैं। एक बार आके आप सामने से देखो तो अपने जो चीज़ को अपने अच्छे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और बाइक बहुत अच्छा है, जिसने भी ली है भाई एक बार ज़रूर कमेंट करना कि अभी तक आपको कैसी लगी बाइक, आप चला रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना कि भाई मतलब क्या फील है इस बाइक की, और ये क्यों ये और पल्सर सीरीज से बेटर है या और कोई 160 सीसी बाइक से ये बेटर है। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में, जब तक सी यू, ओके बाय।